नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। राज्यों के रेरा के नियमों की जांच करे केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखें कि राज्यों के नियम घर खरीदने के हित में है या नहीं। हिजाब विवाद में नया मोड़, स्कूल ड्रेस के रंग का हिजाब पहनने की अनुमति दिए जाने की मांग। साइरस पूनावाला को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शिखर सम्मेलन में किया गया सम्मानित। कहा गरीब देश कंपनी के बनाए टीकों का कर रहे उपयोग। ईडी ने छापेमारी कर भारी मात्रा में बरामद की नकदी। पूरे भारत में फैल रहा मानव बालों का कारोबार। कोविड नियमों में तेजी से गिरावट के बाद आंध्र प्रदेश से नाइट कर्फ्यू हटा। सुभाषपा ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। वाराणसी के डीएम और पुलिस कमिश्नर को हटाने की मांग। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जारी की 10 उम्मीदवारों की 14वीं लिस्ट। इस एक सीट पर हिंदू प्रत्याशी पर लगाया गया दांव। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा गर्मी निकालने की बात करते थे बाबा, अब उनके कार्यकर्ता हो गए ठंडे। मुरादाबाद में हर बूथ पर दिखाई दिया उत्साह। दोपहर से बड़ी मतदान की रफ्तार। कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर में हुआ 63.97% मतदान। यूक्रेन में कभी भी हो सकता है युद्ध। कई देशों ने अपने नागरिकों को वापस बुलाया। पीएम मोदी से मिले केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री। बेटी की आंखों के इलाज के लिए आए हैं भारत। इमरान खान ने संघ को नाजीवादी ठहराया। कहा कश्मीर पर वार्ता में भारत पाक के बीच संघ बाधक। कनाडा में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन पर लगेगी लगाम। पीएम जस्टिस ट्रूडो ने लिया आपातकाल लागू करने का फैसला। कोरोना को कोशिकाओं में फैलने नहीं देगी खास एंटीबॉडी। संक्रमण से होने वाली मौतों में कमी लाने में मिलेगी मदद। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज से वॉशिंगटन सुंदर चोट की वजह से बाहर। कुलदीप यादव टीम में हुए शामिल। मिताली राज ने लगातार दूसरे मैच में ठोका अर्धशतक। भारतीय पारी को संभाला। सुरेश रैना को आईपीएल की नीलामी में किसी ने नहीं खरीदा। सीएसके ने भी नहीं लगाई बोली। वेस्टइंडीज के खिलाफ अब टी20 की जंग। भारतीय खिलाड़ियों ने शुरू किया अभ्यास। मोहम्मद शमी ने की रोहित शर्मा की तारीफ। भारतीय कप्तान के कप्तानी को लेकर कही बात। फर्जीवाड़े के मामले में सामने आया सोनम कपूर के पति का नाम। इंटरनेशनल शिपिंग कंपनी ने लगाया टैक्स चोरी का आरोप। रॉकेट्री दी नंबी इन्फेक्ट की रिलीज डेट आई सामने। 1 जुलाई को रिलीज होगी आर माधवन की फिल्म। लव हॉस्टल के ट्रेलर में दिखा बॉबी देओल का गुस्सैल अंदाज। शाहरुख खान ने किया शेयर। गंगूबाई काठियावाड़ी का होगा वर्ल्ड प्रीमियर। बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुई आलिया भट्ट।
अजय देवगन की डेब्यू वेब सीरीज रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस का ट्रेलर रिलीज, 4 मार्च को ओटीटी पर होगी स्ट्रीम। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।